हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, जो भी आपको जानकारी दी जा रही है हरियाणा सरकार से, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी वैकेंसी आती है, कंटिन्यू हम आपके साथ में जुड़े रहते हैं। HKRN वालों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि HKRN के अंदर आपने इतनी भर्तियों के फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं कि आपको खुद एक रिकॉर्ड तोड़ रखा होगा फॉर्म भरने का। काफी बच्चे तो इतने हैं, लगभग 10-10 जो भर्तियां निकल चुकी हैं, 10-10 फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, परंतु आज तक उनका ऑफर लेटर नहीं आया। परंतु मेरे भाई और मेरी बहनें, जो भी ऑफर लेटर की जानकारी आती है, जो भी मैसेज वगैरह आते हैं, कंटिन्यू हम आपके साथ में जुड़े रहते हैं, हर एक जानकारी आपके साथ में शेयर करते हैं। कितने बच्चे का स्कोर था, उतने कितने बच्चे के स्कोर पर कितना ऑफर लेटर मिले हैं, कितने टोटल बच्चों को ऑफर लेटर बांटे गए हैं, इस प्रकार के जो भी विषय आते हैं कंटिन्यू हम आपके साथ में साझा करते हैं। तो आपने देखा होगा हरियाणा से आचार संहिता हट चुकी है, जो लेटर आया था मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हर एक जानकारी आपको स्वयं समय पर मिलती रहती है। टेलीग्राम ग्रुप जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछा करो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप आप सभी की हेल्प करने के लिए बना रखा है। कोई पुरानी पुरानी भर्ती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसका भी रिप्लाई करेंगे, टेलीग्राम पर मैसेज करेगा हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। तो सीएम साहब ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि आपके ऑफर लेटर कितने बच्चों को दिए जाएंगे, कितने स्कोर पर आपको ऑफर लेटर मिलेंगे, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। वीडियो पर कंटिन्यू सभी बच्चे देखते रहिए। जो भी भाई और बहनों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले तो आपने देखा होगा हरियाणा से आचार संहिता आज के दिन हट चुकी है, लगभग 10 तारीख के आसपास आपको न्यू भर्तियां और देखने को मिल जाएंगी HKRN के अंदर, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट है। हरियाणा गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा, लगभग 100 दिन उनके पास में पेंडिंग है, लगभग 3.5 महीने पेंडिंग है विधानसभा चुनाव से पहले पहले वो काम करेंगे, जो भी उनको काम करना पड़ेगा आचार संहिता लगने से पहले पहले काम करना पड़ेगा। आचार संहिता आपका अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर अंदर लग जाती है, आपने भी देखा होगा विधानसभा चुनाव से पहले लग जाएंगे, तो उससे पहले पहले उनके पास में 3.5 महीने तो है, उससे पहले पहले लाखों जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, उनमें से लाखों बच्चों को नहीं तो हजारों की संख्या में तो रोजगार हरियाणा सरकार देगी, हजारों की संख्या में आपका भी नाम हो सकता है, आपको भी ऑफर लेटर मिल सकता है, क्योंकि 10 तारीख के आसपास जो भी भर्तियां शुरू होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन आज ही शुरू है। जो बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा वो अपना रजिस्ट्रेशन अभी की अभी कर लीजिए, इस वीडियो को सुनते ही सारी जानकारी दे देता हूँ, फिर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद केवल 1 क्लिक पर अप्लाई का ऑप्शन आता है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तुरंत आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उस भर्ती के लिए केवल आपको फीस पे करना पड़ेगा और उस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई के बाद में जो आपके ऑफर लेटर आते हैं उसके बाद में आपका मैसेज आता है फोन के ऊपर, जो मैसेज आएगा वो आपका ऑफर लेटर वहां से शो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक लिंक आता है उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें आपके पूरी डिटेल्स आ जाती है, किस डे को वहां पर आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, कौन सी पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं, इस विषय की जानकारी वहां से आपको मिल जाती है। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं कि ऑफर लेटर आपके कब आने वाले हैं और आपका कितना स्कोर होना चाहिए आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर सिलेक्शन पाने के लिए। पहली बात तो सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए, अगर आपका स्कोर जितना भी जुड़ पा रहा है, हमारा आइडिया यह है कि 3.5 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इतनी ज्यादा भर्ती करने वाली है, इतने बच्चों को रोजगार देने वाली है, अगर आपके ही जिले के अंदर लगभग 500 वैकेंसियां भी आ गई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट कम से कम जितना भी आपका 50-60 स्कोर जुड़ पा रहे, आपका जिले का जो फोरम आई, चाहे आप जींद जिले से बिलोंग करते हैं, जींद के अंदर जो भी भर्ती आई वो भी अप्लाई करें, महेंद्रगढ़ वाले महेंद्रगढ़ के अंदर जो भर्ती आई वो अप्लाई करें, क्योंकि महेंद्रगढ़ वाले अगर जींद में जाके अप्लाई करेंगे, जींद वाली भर्तियों के अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन होना है बहुत ही टफ होगा, तो आपका भर्ती में नंबर नहीं आएगा, पहले जींद वालों को लिया जाएगा। अगर आप महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ का ही फॉर्म भरते हैं, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। सबसे पहले तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। ज्यादातर भर्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपको देखने को मिलेंगी, जो भी भर्ती आज तक आपको बताई गई है कंटिन्यू आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब एक्टिव दिख जाएंगे, जो भी ऑफर लेटर आएंगे
हम आपको साथ में शेयर करेंगे। लगभग 15 तारीख के आसपास आपके ऑफर लेटर धड़ाधड़ आपके आने शुरू हो जाएंगे। ऑफर लेटर आते ही मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा। जो भी भाई और बहन फोरम भर रखे हैं सभी को ऑफर लेटर मिलेंगे। जो भी आपका स्कोर कार्ड जुड़ पा रहा है एक बार कॉमेंट जरूर कर देना या टेलीग्राम पर मैसेज जरूर कर लेना। जिस भी भाई और बहनों का कभी भी ऑफर लेटर आता है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर लिया करो, आसपास के बच्चों को सभी को जानकारी मिलती रही है। तो भाई और बहनों इस प्रकार के जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू हम आपके साथ में शेयर करेंगे। जो भी जानकारी आपको चाहिए कभी भी टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछिए, कमेंट करके पूछिए, हमेशा आपके साथ में जुड़े रहते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी लगी, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।